अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इससे पहले ही राजनीतिक उठा पटक जारी है। भगवान श्री राम को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रेम उमड़ पड़ा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल ही अयोध्या दौरे पर थे, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इधर अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद से ही राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद आवश्यक है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकांत में भगवान राम से वार्तालाप करेंगे तो भगवान श्री राम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार और महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो। सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं समझता हूँ इससे कोई इनकार नहीं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अयोध्या, राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद आवश्यक है, लेकिन एक बार अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अगर उनकी संकल्पना आपके अंदर सही है, वो उनसे ये भी पूछेंगे कि आय की इतनी बड़ी असमानता के बीच भी आप इतना सहज कैसे महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम पूछेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में भी वही है, यानी साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का फायदा नहीं लेने देना चाहती है। यही कारण है कि श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले ही कई राजनीतिक दलों में श्री राम मंदिर का श्रेय लेने की होड़ मची है। इन्हीं राजनीतिक दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो भगवान राम को लेकर भी राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जवाब है कि जब हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे तो कई राजनीतिक दल इसे कभी ना होने वाला झूठ और भगवान राम तक को काल्पनिक बताने का दावा कर रहे थे। अब जब मंदिर बन गया है तो भारतीय जनता पार्टी पर ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम का मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। लोगों को बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब अयोध्या में पीएम मोदी आएंगे और भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इधर अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। पूरी अयोध्या बस 22 जनवरी के इंतजार में ही लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।